बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे नाज़रीन व सामीन, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आज हम सूरा अनकाबूत की आखिरी आयत 67-68 और 69 की तालीम हासिल करने की सआदत हासिल करते हैं। आपने नाज़रीन व सामीन बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि ये मुनाफा बख्श इल्म है, इससे अच्छा कोई इल्म नहीं हो सकता मुसलमान के लिए। तो जब मुसलमान के लिए ये सबसे अच्छा है तो हम इसकी कदर करते हैं। पहले तलावत करते हैं आयत नंबर जो है 68 की। वमन अज़लामु मिम्मा निफ्तारा लिल्लाहि काज़िबन औ कज़्ज़ाबा बिलहक़ लम्मा जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मस्विल काफिरीन। यह वल्लज़ीना जादू फ़ीना लाना दीयन्नहुम सबूलाना व इन्नल्लाह लामा अल्मोसिनीन। अब तर्जमा शेयर करते हैं। तर्जमा 67 का ये है, क्या उन्होंने देखा नहीं कि बेशक हमने हरम मक्का को पुरअमन बनाया है, जबकि लोग इसके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते हैं? क्या फिर वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करते हैं? ये अल्लाह ताला का खिताब है अहले मक्का से। उन दिनों में जब इस्लाम अरब में अभी फैला नहीं था, अभी आगाज़ ही था, तो कत्लोगारत गरी का बाज़ार गर्म था, लूट मार थी, जुल्म था, राजनी थी। तो अल्लाह ताला ने हरम शरीफ को अमन का गहवारा बनाया। तो इस पे ये कहा जा रहा है कि जब अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया है जिससे मक्का के रहने वाले तमाम मजालम से महफूज हो गए, तो उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि वो अपनी इबादत में अल्लाह ताला के साथ बुतों को भी माबूद करार देते थे। और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी चाहिए थी, बैत करनी चाहिए थी, उन्होंने इसको भी नज़रअंदाज किया। हालांकि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, शिर्क से पाक। आगे आयत नंबर 69 का तर्जमा इस तरह है, और जो लोग हमारी राह में जहाद करें हम उन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखाते हैं, और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। यानी दीन पे अमल करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, जान व माल का ख़तरा होता है, घर से प्रदेश में जाना पड़ता है, लेकिन ये काम अहले ईमान के लिए आसान है, जबकि मुनाफिक के लिए आसान नहीं है। मुनाफिक आजमाइश में ज़ाहिर हो जाता है।
जहाद करने वालों के लिए अल्लाह ताला एहसान करता है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी राहें खोल देता है ताकि वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें। एहसान का मतलब अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए नेकी के कामों को इखलास के साथ करना, सुन्नत नबवी के मुताबिक करना, बराई के बदले में हुस्न सलूक करना, दूसरों को उनके हक से ज़्यादा देना यानी सिला रहमी करना, यह सब एहसान के मफहूम में शामिल है। अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं इससे तो बिल्कुल ये बात अयां है कि अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करें, सिला रहमी करें, भाईचारा कायम करें, जिससे एक खूबसूरत माशरा तश्कील देता है। यही अल्लाह की मर्ज़ी है, यही अल्लाह के अहकाम हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें आखिरत में जन्नत का रिवार्ड से नवाजते हैं, जो जिससे बड़ा और कोई रिवार्ड नहीं। हमें भी, हम दुआगो हैं कि हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम दूसरों के साथ नेकी करने वाले बनें, दूसरों के कसूर माफ़ करने वाले बनें, दूसरों से सिला रमी करने वाले करें, खा हमारे रिश्तेदार हों खा गैर हों, सभी के साथ सिला रमी करना चाहिए। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो।